स्वागत है आपका एक लव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी की और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की। यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेकंड बुक है, इस बुक में से चैप्टर नंबर फर्स्ट लेंगे। तो ये जो हमारा समाजशास्त्र की जो बुक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसमें से हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं भारत देश के बारे में। तो भारत में अगर हम सामाजिक परिवर्तन और विकास के बारे में डिस्कस करते हैं, संरचनात्मक विकास के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अब मैं जो जो आपको कहने वाला हूँ आप उसे ध्यान से सुनते जाएं, पूरा चैप्टर बिल्कुल दिमाग में बस जाएगा, कोई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत एक ऐसा देश है जो कि विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे बहुत वैरायटी है, आप जानते हैं, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा दिखाई देती है, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, ये सब हम जानते हैं। अब हम किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी देश के बारे में अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हो, तो आपको उसके वर्तमान को जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वर्तमान को जानने के लिए आपको उसका अतीत के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर हम भारत के अतीत की बात करें, भारत के इतिहास की बात करें, तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, भारत का बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत ही समृद्ध इतिहास है। जैसे कि हम अपने भारतीय इतिहास को तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो हमारा एंशियंट हिस्ट्री हो जाता है, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं अगर हम, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री जो आ जाता है इसमें आता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो आधुनिक भारत है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन, अगर हम अतीत की बात करें तो प्राचीन भारत और ये मेडिवल भारत के बारे में हम पहले से ही छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया की अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे हमें जो बहुत सारी चीजें मिली हैं, आज अगर हम आधुनिक हुए हैं, अगर हम आधुनिक हैं तो हम कैसे हो पाए हैं, तो वो सारा हमें मॉडर्न हिस्ट्री में से, यानी कि आधुनिक भारत में से पता लगता है। आधुनिक भारत का इतिहास होता है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया। ये जो 200 साल का समय था, ये भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन का समय था। और आज के टाइम पे अगर हम आधुनिक हैं, आज के टाइम हम अपने आप को मॉडर्न कहने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसी समय की देन है। तो हम ये कहेंगे कि भाई अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया, हमारे साथ गलत किया, भेदभाव बहुत था, इतनी सारी चीजें हम थी। लेकिन आप अगर कभी पढ़ोगे ना समाजशास्त्र, तो आपको एक बात पता लगेगी कि आज जो हमारे आधुनिक विचार हैं या जो भी हमारी संस्थाएं, वो सारी देन है औपनिवेशिक काल की। औपनिवेशिक काल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। औपनिवेशिक काल कौन सा है? औपनिवेशिक समय जो है वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया। जिस समय पे अंग्रेज भारत में थे वो औपनिवेशिक समय था। उस समय से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, आप यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट, आप इसे बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने पॉइंट लिखे हैं कि देखो, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उस टाइम पे क्या हुआ था, वो औपनिवेशिक काल कहा जाता है, औपनिवेशिक समय कहा जाता है। इस समय में हमने बहुत सारी चीजें जो है जो बाद में भी अपना रखी है। आपने ये संसदीय विधि वाला जो सिस्टम है, संसदीय शासन वाली व्यवस्था है हमारे देश में, ये जो संसद वाली व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, ये हमने अंग्रेजों से, ब्रिटेन से ही ली है। और ये जो कानून निर्माण, विधि निर्माण, कानून निर्माण वाली जो व्यवस्था है वो हमने अंग्रेजों से ले रखी है। ठीक है, एकल नागरिकता वगैरह ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कि हमें यहाँ से मिली है। और यहाँ तक कि शिक्षा, हमारी जो भारतीय शिक्षा थी वो अलग प्रणाली पे थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया और अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार शिक्षा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, अपने अनुसार मॉडर्न तरीके से शिक्षा देना शुरू करा। और आज अगर हम इस शिक्षा में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं ये औपनिवेशिक समय से ही अपनाई गई है, उदारवाद जैसी विचारधारा, कुछ पूंजीवाद जैसे मुद्दे, ये सारे हमें अंग्रेजों के टाइम से ही मिलते हैं। आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में भी बच्चों की यूनिफॉर्म जो होती है उसमें नेक टाई होती है, यानी जो गले में जो टाई वगैरह होती है आप देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी वहीं से ली गई है। आपने ये देखा होगा कि जब हम सड़कों पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो हमेशा हम लेफ्ट में चलते हैं, यानी बाएं हाथ की तरफ चलते हैं। ये सिस्टम कहाँ से आया भाई, बाएं हाथ की तरफ हमें चलना है,
ये भी हमने अंग्रेजों से ही लिया है, औपनिवेशिक काल से ही सीखा है ये सब, और अंग्रेजी का ज्ञान, ठीक है। अंग्रेजी आज के टाइम पे इंग्लिश का क्या महत्व है आप ये अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश का कितना महत्व है और ये सब क्या हो पाया, ये औपनिवेशिक काल के समय से ही हो पाया है सब कुछ। यानी कि अंग्रेज हमारे देश में थे, उन्होंने हम पे शासन किया, और वही उसी शासन वाले समय से हमने बहुत सारी चीजों को अपना रखा है। आज भी हम कहने के लिए तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को आज भी हम अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गुलाम ही समझो अपने आप को, और हम उन चीजों को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आज हम अपने आप को मॉडर्न बोल रहे हैं ना, कि हम मॉडर्न है, आधुनिक है, ये सारी जो चीज देन है, ये औपनिवेशिक काल की देन है। ये आपको बताया जा रहा है संरचनात्मक परिवर्तन में, कि किस तरीके से हमारा देश पहले कैसा होता था, फिर बाद में कैसा हुआ, फिर बाद में कैसे हुआ, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आगे आता गया, वो सब यहाँ से आपको पता लगता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी थी यहाँ पे। तो आप देखते हो सड़कों पे ब्रेड, ऑमलेट वगैरह, कटलेट वगैरह जैसी खाने की चीजें जो अक्सर मिलती रहती है रेहड़ी पटरियों पे, ये सब वहीं से आया है ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे एक मशहूर बिस्कुट निर्माण कंपनी है जिसका नाम ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, तो वो ब्रिटेनिया आपने सुना ही होगा इसका, ये उसी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, वैसे तो इसका बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ी परिभाषा है, पर मैं आपको दो लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना सिंपल शब्दों में। जब कोई देश, जब कोई ताकतवर देश, देश नहीं ताकतवर देश, जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे ऐसे देश पे जो उसके मुकाबले में कमजोर हो उस पे कब्जा कर ले, वहां पे अपनी शासन व्यवस्था बना ले, और वहां की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करने लग जाए अपने तरीके से। आपको पता है ना, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे व्यापार के नियम बना दिए, व्यापार का सिस्टम बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार के लिए थी, लेकिन उसने यहाँ पे अपना राज जमा लिया कैसे, मतलब ये सारा जो सिस्टम था ये सब उपनिवेशवाद होता है। यानी जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश पे जाके कब्जा कर ले, हाँ, वहां पे अपनी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने लग जाए, तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है, ठीक है, कॉलोनी वगैरह कहलाता है। तो भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद, उपनिवेश था, और इसी समय को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। उपनिवेशवाद ने भारत में बहुत सारे परिवर्तन किए, कैसे, उसने राजनीतिक परिवर्तन किए भारत में। अंग्रेजों ने भारत का राजनीतिक व्यवस्था में दखलअंदाजी की, अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था बना दी थी, कानून वे बनाने लगे थे, शासन व्यवस्था में नियम उनके चलते थे, और आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे थे। आपको पता है हमारे यहाँ पे कपास का उद्योग, हथकरघा जो कपड़े बनते थे, हथकरघे उद्योग को कैसे अंग्रेजों ने नष्ट किया, मशीनों से कैसे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहां मशीनों से बनवा के वापिस यहीं पे ले आते थे बेचने के लिए, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं जो थी, व्यापार के नियम कैसे बदले, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो राजनीतिक रूप से भारत को प्रभावित किया, आर्थिक रूप से प्रभावित किया, सामाजिक रूप से प्रभावित किया, और सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था औद्योगिकरण, कि देश में औद्योगिकरण आया और नगरीकरण, शहरीकरण जो कर दिया था अंग्रेजों ने, ये आपको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा ये था कि किस तरीके से भारत में मद्रास, कलकत्ता और बंगाल वगैरह में उद्योग स्थापित किए गए थे, ठीक है। और आपने ये भी यहाँ पे पढ़ रखा है पहले से ही, कि औद्योगिकरण के बाद क्या भारत में परिवर्तन आए थे, नगरीकरण हो रहा था, हिल स्टेशन वगैरह जो थे उसको बसाया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी ये सब अंग्रेजों के टाइम पे आई, अंग्रेजों के द्वारा ही भारत को बहुत देखें तो पूरी तरीके से प्रभावित किया था उसने, और इन सब चीजों को लेकर आज भी हमारे देश में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको पता है जो रेल, आज रेलगाड़ी हम देखते हैं, वो रेलवे भी अंग्रेजों के द्वारा ही लाई गई थी भारत में, ठीक है। ये सारा है जो भारत को प्रभावित कर रहा है, ये सभी पॉइंट। तो इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, मैं बात करता हूँ आधुनिक समय की, तो आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक समय में भी हम पश्चिमी उपनिवेशवाद से प्रभावित हैं, ठीक है। आधुनिक समय में भी हम उपनिवेशवाद से प्रभावित है। हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी नहीं थी, जिसको हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज हम उसे खुलकर अपनाते हैं, खुलकर पसंद करते हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यताओं से आई हुई है, और उस चीज को हम अपना रहे हैं, और हमारे यहाँ पे उस चीज का क्रेज है बहुत ज्यादा। जैसे मैं बात करूँ अंग्रेजी भाषा का, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा आपको, एक ही चीज से आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी का क्या महत्व है आज आप अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने पूंजीवादी व्यवस्था को फैलाया। ये जो पूंजीवाद जो था ये पश्चिमी देशों के द्वारा ही लाया गया था। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार का पूरा तरीका ही बदल दिया, ठीक है। हमारे जो जो परंपरागत उद्योग थे उनका महत्व कम हो गया,
अंग्रेजों ने क्या किया, लाभ कमाने के नजरिए से व्यापार को बढ़ावा दिया और यहाँ से कच्चे माल को दूसरी जगह निर्यात करने लगे। वहां से मशीनों से चीजें बन के आती थी, फिर भारत में बेच दी जाती। भारत में जंगल बहुत होते थे और इन्होंने क्या करा, उन जंगलों को कटवा दिया, जंगलों को कटवाया, साफ करवाया, वहां पे खेती शुरू करवाई और चाय की खेती भी महत्वपूर्ण है, चाय की खेती की शुरुआत करवाई। जंगलों से संबंधित कानून बना दिए, जंगलों से संबंधित कानून बनाए, आदिवासियों को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने जो भूमि संबंधित नियम थे, ठीक है, भूमि संबंधी जो भी कानून थे, नियम थे, उसमें बदलाव कर दिया और इन्होंने यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि कौन सी फसल को उगाना है और कौन सी फसल को नहीं। यानी कि पहले हम अपने अकॉर्डिंग फसलों को उगाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें ये बताया कि कौन सी फसल को उगाना है। उस फसल को उगाने पर महत्व दिया जिस जो मतलब जिसकी बाजार में वैल्यू ज्यादा हो, ताकि वो उसका व्यापार कर सके। वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं, केवल हम ये नहीं कहेंगे कि उत्पादन, बल्कि उसका वितरण, उसको कैसे बांटना है, कैसे बेचना है, वितरण का तरीका तक बदला उन्होंने। व्यापार के नियम बनाए, व्यापार के नियम बदल दिए। जब जंगल कटवा दिए तो जो जंगलों पे निर्भर लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो तो प्रभावित हो ही गए पूरी तरीके से, ठीक है। और बहुत सारी चीजों पे इन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया। तो ये जो था, ये अंग्रेजों की कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके तहत उन्होंने क्या करा, भारत में काफी ज्यादा बदलाव किया अपने टाइम पे। उपनिवेशवाद की एक खास बात ये थी कि उपनिवेशवाद ने व्यक्तियों की आवाजाही को बढ़ा दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। उदाहरण की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे भारत का आपको मैप बना के दिखाऊं, तो आज का ये जो झारखंड वाला हिस्सा है, लोग यहाँ से बड़ी संख्या में जाके असम में जाके बसे, क्योंकि वो यहाँ से झारखंड से गए थे मजदूरी करने के लिए। चाय के असम में जो चाय के बागान होते थे, चाय के बागानों में चले जाते थे मजदूरी के उद्देश्य से। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारा बदलाव हुआ भारत में। और यहाँ तक कि जो भारतीय मजदूर थे, जो अच्छे मतलब सेवा कर्मी रहे हैं, उनको जहाज से दूर दूर एशिया, ठीक है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक में भेज दिया उन्होंने। हमारे जो भारतीय लोग थे उनको भेजा हमारे देश से बाहर दूर दूर तक, जो कि जहाज मार्ग से जाना पड़ता था। आपको पता है आज के टाइम तो होता नहीं है, आज के टाइम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पानी के जहाज से जाते थे। और पानी के जहाज से इतनी दूर दूर जाना, या जो यात्रा थी वो जोखिम भरी थी, कई लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे, ठीक है, रास्ते में मौत हो जाती थी कई लोगों की। और कई लोग तो वापिस ही नहीं आए, आज तक वो उन्हीं देशों में बस गए हैं जो कि भारतीय, जो अलग अलग देशों में जाके बसे हुए हैं वो भारतीय मूल के माने जाते हैं, ठीक है। उनके जो वंशज हैं वो भारतीय मूल के माने जाते हैं, जो कि कभी भारत में रहते थे, अंग्रेजों ने उनको बाहर भेज दिया था, वापस नहीं आ पाए, फिर वहीं रह गए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये सब मैं आपको उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद से जो फर्क पड़ रहे थे देश में वो बता रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा पूर्वोत्तर भारत जिसको बोला जाता है, पूर्वोत्तर भारत में भी इन्होंने क्या करा, जंगलों के नियम बदले। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। असम के जंगल जो थे उसको पैसा कमाने के लिए इन्होंने क्या किया, वन आरक्षित क्षेत्र बता दिया अंग्रेजों ने। वहां के जो आदिवासी समुदाय के लोग जो वहां पे सदियों से अपनी जिंदगी बिताते आ रहे थे, अब उनको वहां से निकलना पड़ा, विस्थापन होना पड़ा, क्योंकि अब ये जो इलाका था ये अंग्रेजों के किसमें आ गया था, अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। और ये सब किया उन्होंने, इतना सारा मतलब बदलाव किया। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अंग्रेजों ने क्या करा, भारत में शिक्षा को, शिक्षा नहीं, शिक्षा के स्तर को नहीं, बल्कि शिक्षा को ही बदल दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि भाई अब अंग्रेजों जैसी शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा की में शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी साहित्य को बताया जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो शिक्षा का स्वरूप था उसको बदला, ठीक है। तो भारतीयों में भी मतलब भारतीयों इंडियंस के अंदर उन्होंने एक ऐसा वर्ग बनाने की कोशिश की शिक्षा के जरिए, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्या करे, बढ़ावा दे। और ये सारी जो चीजें हैं, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद जब था अंग्रेजों के समय, तब ये सब चीजें होती थी और अंग्रेजी भाषा को बहुत महत्व दे दिया था इन्होंने अंग्रेजों ने। इसके बाद यहाँ पे एक मुद्दा आएगा पूंजीवाद का। पूंजीवाद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूंजीवादी जो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर क्या किसका अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। अब ये तो आपको बुकिश लैंग्वेज में आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे जो मतलब समाजवाद जैसे होता था उसमें क्या होता था, सरकार के हाथ में होता था, लेकिन पूंजीवाद में जो अधिकतर जो चीजें होती हैं वो किसी निजी व्यक्ति की होती है, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। यहाँ पे अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने पर ध्यान दिया जाता है, खुला कॉम्पिटिशन की बात की जाती है। तो ये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो मालिक वर्ग होता है वो अमीर होता है, जो मजदूर वर्ग होता है वो बहुत ज्यादा गरीब होता है, उसका शोषण भी बहुत ज्यादा होता है। तो
तो ये सारी समस्या पूंजीवाद के अंदर होती है, और भारत में ये सारी चीजें लाने का श्रेय भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ही जा रहेगा। विज्ञान और तकनीक का ज्ञान तो अंग्रेजों को पहले ही हो चुका था सब कुछ, औद्योगिकरण को ये पहले ही बढ़ावा दे चुके थे, और इन्होंने केवल केवल इस चीज पे ध्यान दिया कि कैसे, मतलब हम जो भी इनके उपनिवेश हैं, सिर्फ भारत नहीं बहुत सारे देश थे जो ब्रिटेन के गुलाम थे, सभी से इसने केवल लाभ कमाने का साधन बना रखा था, केवल लाभ कमाना। और ये जो व्यापार था, व्यापार एक देश से दूसरे देश का होता था, यानी जब एक देश से दूसरे देश में चीजें जाने लग जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण बन जाती हैं, अब भूमंडलीकरण के तहत आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो भूमंडलीकरण का मतलब होता है ना, इसको ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है, और ग्लोबलाइजेशन के बाद इसको वैश्वीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, जहां पे भी ये वर्ड आ जाए ना, ये तीनों एक ही है। कई बार आपको वैश्वीकरण का की जगह आपको भूमंडलीकरण दिखेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम चीज होती है। अब यहाँ पे आपके सामने जो टॉपिक है ना, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है? औद्योगिकरण या निजीकरण, नगरीकरण, सॉरी, इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। औद्योगिकरण क्या होता है, आप ये देखिए, ब्रिटेन ने औद्योगिकरण शुरू किया था, ठीक है, और भारत में भी इस चीज को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को समझना, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में क्या होता था, कपड़े बनाए जाते थे और हथकरघा उद्योग होता था। हथकरघा, उसमें क्या होता था, जो कपास होती थी उसको काता जाता था, रुई वगैरह जो भी है उससे बनाया जाता था, धागे बनाए जाते थे, उसको करघे पे लपेटे जाता था, फिर इस तरीके से हाथ से हथकरघा होता था जिसमें कपड़े की बुनाई होती थी, कपड़ा बुना जाता था। एक ये हथकरघा उद्योग भारत में फेमस था, कपड़ा बनाने का एक तरीका था। तो ये जो हथकरघा है, इसमें क्या कर रहे हैं, हाथ से बनाया जा रहा है काम जो हो रहा है, तो ये हमारा एक पारंपरिक उद्योग है। अंग्रेजों ने क्या करा, इस चीज को बदल दिया, इस चीज को खत्म कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, वो कपास को ले जा रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों में। अब हाथ से काम नहीं हो रहा, हम तो हाथ से कर रहे थे, वो हाथ से नहीं कर रहे, वो बड़ी बड़ी मशीनों में, मशीनों के जरिए कपड़ा बना रहे हैं। एक व्यक्ति जो कपड़ा बनाता है, मान लो एक व्यक्ति एक दिन में एक कपड़ा बना पा रहा है, तो मशीन जो है एक दिन में हजारों कपड़े बना देगी। यानी कि आप समझ गए कि किसमें फायदा है, अंग्रेज यही काम करते थे। औद्योगिकरण का मतलब ही होता है कि अब चीजों का निर्माण हाथ से नहीं होगा, बल्कि उसमें बड़ी बड़ी मशीनें, भाप से चलने वाली मशीनें, विद्युत से चलने वाली मशीनें, या जैसे भी आप कह लो, मशीनों के जरिए काम किया जाएगा। और उत्पादन जो होगा, पहले बहुत छोटे लेवल पे होता था, अब उस उत्पादन को बहुत बड़े लेवल पे किया जाएगा, यही औद्योगिकरण है। तो आप समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण होता क्या है, उद्योग लगाना, कारखाने लगाना, किसी चीज का उत्पादन करना, बड़े लेवल पे उत्पादन करना। औद्योगिकरण में क्या होता है, लोग उद्योग में जाते हैं, उनका जो रोजगार होता है, सॉरी, वो उद्योग में होता है। घर से निकलते हैं, उद्योग में जाते हैं, वहां पे पूरे दिन, मतलब 7-8 घंटे जो भी उनकी जॉब होती है, अपनी अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और फिर वापस घर आते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, ये उद्योग वाली थी। कल कारखाने जो होते हैं, यहाँ पे ऐसे काम होता था, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति मशीनों के जरिए एक जैसी चीजों का उत्पादन करते थे। तो ये उद्योगीकरण जो होता है, ये औपनिवेशिकरण के टाइम पे ही हुआ था, अंग्रेजों के समय पर हुआ था ये सारा भारत के अंदर, तो ये महत्वपूर्ण था। औद्योगीकरण मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके सामने टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता था, नगर आप जानते हो, नगर क्या होते हैं, नगर ऐसी जगहें होती हैं देश में जहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादातर सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, चाहे वहां पे सड़कें देखेंगे तो आपको बेहतर मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा देखेंगे आपको बेहतर मिलेगी, वहां पे शिक्षा देखेंगे बेहतर मिलेगी, वहां पे ज्यादातर जो कार्य कार्य होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं। यानी द्वितीय क्रियाकलापों का मतलब होता है यहाँ पे सेकेंडरी, जैसे कि उद्योग वाले काम, उद्योग औद्योगिकरण वाले काम, कारखानों वाले काम, ऐसे काम होते हैं, ये नगरों में होते हैं। और नगरीकरण भी अंग्रेजों के समय ही समझ लो, क्योंकि देखो अब जब ये इन्होंने उद्योग लगाने शुरू किए, मान लो इन्होंने इस जगह पे उद्योग लगा दिया, तो इस जगह पे उद्योग लगाने का मतलब क्या था कि अब यहाँ पे क्या है, कारखाना है, कारखाने में क्या है, कारखाने में बहुत सारे लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने आएंगे। तो वो कहाँ पे आएंगे, जहाँ हमेशा उद्योग ऐसी जगह पे लगाया जाएगा जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध हो, जहाँ पे पानी उपलब्ध हो, जहाँ पे बिजली उपलब्ध हो, जहाँ पे सड़कें उपलब्ध हो, जहाँ की जलवायु ठीक हो, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये सारी सुविधा हो, वहीं पे उद्योग लगाए जाएंगे। जब उद्योग लग जाएंगे तो रोजगार पनपेगा, रोजगार पनपेगा तो लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे ऐसी जगह की तरफ जहाँ पे उनको रोजगार मिलता है।
तो लोग क्या करते थे, वहां पर काम करने के लिए जाते थे। तो ऐसे में क्या हो जाते थे, ये धीरे 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 नगर के रूप में परिवर्तित होते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं थी। तो ये नगरीकरण इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो प्राचीन नगर थे ना, जैसे कि प्राचीन नगर, ये क्वेश्चन आ सकता है, शायद शायद आ जाए कि प्राचीन नगर, जैसे मैं बात करूं सूरत, ठीक है, ये प्राचीन नगर की कैटेगरी में आते हैं। सूरत हो जाएगा, मुसलीपट्टनम वगैरह हो जाएगा, लेकिन इन सब का महत्व तो धीरे धीरे खत्म होने लगा। प्राचीन अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग बसाना शुरू करा था सब कुछ। तो अब अंग्रेजों के ने जो जिन जिन जगह पे व्यापार किया, सबसे ज्यादा देखो आपको, सबसे पहले तो ये बंगाल आए थे, तो बंगाल जो है, बंगाल में कोलकाता पत्तन, कोलकाता, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले इसे क्लीन करूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो ये है बंगाल, ठीक है, बंगाल जो था यहाँ पे, यहाँ पानी है, तो यहां से अंग्रेज जो थे, ये व्यापार होता था, क्योंकि ये समुद्री रास्तों से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इन्होंने, ये जो बंगाल था, इनके टाइम पे ये महत्वपूर्ण हो गया था। बंगाल में कौन सी जगह, बंगाल में कलकत्ता, कलकत्ता कोलकाता जो बोल रहा हूँ मैं। दूसरी जगह क्या थी, बंबई। बंबई आपको पता है सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, इधर बंबई है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया था बंबई, ठीक है। इसके बाद मद्रास, नीचे आते हैं तो हमको मद्रास मिलता है। ये सारे क्या हो गए थे, ये अंग्रेजों के समय के बसाए हुए नगर है। आधुनिक नगर, आधुनिक नगर की बात करें जो अंग्रेजों के टाइम पे बसे थे, जैसे बंबई हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, ये सब अंग्रेजों के टाइम के हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या करा, ये नए औपनिवेशिक शासन के तहत ये सारे जो नगर हैं ये मजबूत हुए थे, क्योंकि बंबई से उस टाइम पे कपास, आपको पता है दक्षिण भारत में कपास बहुत होती है, कलकत्ता से जूट, और मद्रास से जो, मद्रास में कॉफी वगैरह जो होती थी, चीनी वगैरह, नील वगैरह, ये सारी चीजें निर्यात की जाती थी। तो ये सब क्या है, औद्योगिकरण हुआ है। किस टाइम पे हुआ है, अंग्रेजों के टाइम पे हुआ है। पुराने शहरों का महत्व घटा है, पुराने नगरों का महत्व घटा है, लेकिन नए आधुनिक नगरों का महत्व अंग्रेजों के टाइम पे बढ़ गया है। और ये बम्बई जो, ये बम्बई, बम्बई मद्रास कलकत्ता की अगर बात करूं, तो ये महत्वपूर्ण क्यों होते, क्योंकि यहाँ से निर्यात करना बहुत आसान था, ठीक है। समुद्री मार्ग से वो अपने जहाजों को बेचकर अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे चीजों का व्यापार कर सकते थे, उसको बेच सकते थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गए थे। चाय की बागवानी की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपको पता है हमारे भारत में जो असम राज्य है वो प्रसिद्ध है चाय के लिए। अंग्रेज क्या करते थे, चाय के बागानों में मजदूर लेके आते थे, मजदूरों से जबरन काम करवाया जाता था। जबरन काम का करवाने का मतलब है जबरदस्ती, यानी कि जबरदस्ती मतलब गलत तरीके से मजदूरों को यहाँ पे रखा जाता था, बलपूर्वक उनसे क्या किया करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, और उनसे बहुत ही कम मतलब पैसा दिया जाता था, उन्हें बहुत ही कम पैसे में, उनसे बहुत कम पैसे में काम लिया जाता था, उनके साथ क्या कहते हैं, गलत तरीके से पेश आया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, जबरन ये सारी चीजें होती थी चाय की बागवानी। इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो इंडियन जो भारतीय थे, भारतीयों को बहुत ही तुच्छ और नीच समझते थे, ठीक है। वो गालियां देते थे उनको, और उनके साथ गलत तरीके से पेश आते थे, मजदूरों के साथ उनका शोषण करने में उनको तनिक भी मतलब गलत महसूस नहीं होता था, उनका शोषण किया जाता था खुलकर, उन्हें लगता था कि ज्यादा शोषण किया जाएगा, कड़ाई से काम कराया जाएगा तो ही काम हो पाएगा। और यहाँ पे जो मजदूर काम करने के लिए लाए जाते थे वो अलग अलग से लाए जाते थे, दूर दूर से, जैसे झारखंड हो जाएगा, वर्तमान झारखंड वाला क्षेत्र, बिहार वाले क्षेत्र हो जाएंगे, तथा अन्य राज्यों से, अन्य जो राज्य है वहां से मजदूरों को लाया जाता था यहाँ पे बागवानी के काम में लगाने के लिए। तो ये चाय की बागवानी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में नगरीकरण, यानी कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद वाले टॉपिक को देखें। अब क्या था भाई, भारत जो है 1947 में आजाद हो चुका था, और भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने टाइम पे खूब हमारा फायदा उठाया था, ठीक है। गरीबी थी यहाँ पे, लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे, देश में आर्थिक समस्याएं थी। ऐसे में ये माना जाता था कि कृषि को और औद्योगिक विकास पर, कृषि पे और औद्योगिक विकास पे अगर ध्यान देंगे तभी हम अपनी जनता का विकास कर पाएंगे। तो आजाद भारत जब हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भी देश में नगरीकरण हुआ और उद्योग को पे ध्यान दिया गया, कृषि पे ध्यान दिया गया। जब हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद हमारी सरकार जो थी, सरकार ने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि औद्योगिकरण से ही देश का विकास हो सकता था, देश में उद्योगों को महत्व देना जरूरी था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और औद्योगिकरण के बारे में आप देख सकते हो, आपको पता है ना कि 1900, मैंने बताया था आपको, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हो तो 1991 के बाद उदारीकरण, एलपीजी वाली एक वीडियो बनाई थी मैंने, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण,
ऐसी एक मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार आप उसे जरूर देखें। जब तक आप वो चीजें नहीं देखेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, और ये जो नई आर्थिक नीति थी 1991 के बाद की बात अगर हम करते हैं तो उसमें भारत में फिर उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया, भारत में विकास को बढ़ावा दिया गया, भारत में अर्थव्यवस्था को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए काम किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। ये स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण था। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने यहाँ नगरीकरण लिख दिया था, औद्योगिकरण हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के बाद अगर हम 2 दशकों के बाद की बात करें, 2 दशक के बाद, तो भारत में क्लियर हमें नगरीकरण दिखा। नगरीकरण में क्या होता है कि नगरों की तरफ जो लोग होते हैं वो बसने लग जाते हैं, नगर नगरों पे महत्व दिया जाने लग जाता है। आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो आपको आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्रवास। प्रवास क्या होता है कि गांव से लोग आ जाते हैं नगरों में। क्यों आ जाते हैं? रोजगार की तलाश में और बेहतर सुविधाओं की तलाश में। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद भी भारत के अंदर नगरीकरण जो था वो बढ़ता रहा। और आपको पता है ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण दुनिया में है, तो वैश्वीकरण के कारण भी भारत में नगरीकरण जो था वो बढ़ता गया था। और ये M.S. राव जो थे उन्होंने कहा था कि गांव के बारे में, भारतीय गांव के बारे, गांव पर नगरों के प्रभाव बताए थे। इन्होंने ये कहा था कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। गांव से लोग क्या करने आते हैं शहरों में? रोजगार की तलाश में। शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जा सकता है जो औद्योगिक शहरों के निकट होते हैं, जैसे कि भिलाई वगैरह हो जाएगा। और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि अब गांव भी जो है वो कहीं ना कहीं गांव में भी हमें शहरीकरण थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। ठीक है, अब गांव भी पहले की तरह गांव की तरह नहीं रह गए हैं। तो ये सारे बदलाव हुए। मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल शॉर्ट में मेन मेन चीजों को समझाया है। समय कम है हमारे पास, टाइम कम है, पेपर आने वाले हैं फाइनल, इसलिए मैं आपको लिख कर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिखना नहीं हो पाएगा नोट्स वगैरह, तो मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आप एक बार ये वीडियो को ध्यान से देखा करें, बस आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद ना जैसे ही हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा, वीडियो में प्रैक्टिस सेट टाइप का करवा दूंगा आपको, वहां पे और बेटर हो जाएगा आपका। ज्यादा नहीं, थोड़े ही क्वेश्चन समझा दूंगा आपको, वहीं से तैयारी हो जाएगी। अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर कर दे करें और शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ताकि सभी तक हमारी ये वीडियो पहुंचे जिससे कि उन्हें फायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।